वेट 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 वेट, आज मैं आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक और मैंने अपनी लाइफ में इसको इतने अच्छे से डील करा है, अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ टोटली ख़त्म हो गई है मेरी लाइफ में, बट इसको ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा आता है कि हम कैसे टॉक्सिक लोगों को डील करें, कैसे टॉक्सिक लोगों की नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और हम भी उनको लेके फोकट का नेगेटिव बन जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा भागवत सुनती थी अपनी एक फेज ऑफ द लाइफ में, अभी भी सुनती हूँ लेकिन उतना नहीं सुनती जितना पहले सुनती थी। मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ सुना था, बट मैं समझ गई थी कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा साइन है। तो वहाँ ऐसा बोला गया था कि जो इंसान के पास होता है वही वो दूसरों को देता है। अगर आपके पास अच्छाइयाँ हैं तो आप दूसरों को अच्छाइयाँ दोगे, वहीं एट द सेम टाइम आपके पास बुराइयाँ हैं, गंदी चीज़ें हैं, गलत बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आप सामने वाले को वही पसंद करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लोगों को, तो इन शॉर्ट जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही पास ऑन करता है। और आपके पास भी चॉइस है, एज़ यूजुअल भगवान ने आपको दो कान दिए हैं। कुछ लोग होते हैं एक कान से सुनते हैं और वो चीज़ अपने दिमाग तक ले जाते हैं और उसके बारे में सोचना और ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरे जो मेरे टाइप के लोग होते हैं, वो अगर उनको किसी की बातें पसंद नहीं आती हैं एंड लगता है यार ये कितना नेगेटिव बोलते हैं लोग, तो मैं यही सोचती हूँ यार इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भरी है तभी ये दूसरों को पास ऑन कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है तो एक कान से सुनो, उसको अपने दिमाग तक मत जाने दो और दूसरे कान से निकाल दो। इट्स सो सिंपल, बस ये सोच के अपनी लाइफ जियो कि जो आपके पास है वही आप दूसरों को दोगे। अगर आपके पास अच्छाइयाँ हैं तो आप दूसरों को अच्छाइयाँ दोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनकी हेल्प करोगे एंड आप उनका साथ दोगे इन हर फेज ऑफ द लाइफ में। वही एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके पास आएंगे, पहले आपकी बहुत तारीफ करेंगे, फिर वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको नेगेटिव बनाते जाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी ज़िंदगी है, डिसीजंस भी आपको लेना है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अपने कान से सुना करो और अपने माइंड तक ले जाया करो, क्योंकि आगे जाके आपको वही मिलना है। वहीं अगर आपको लगता है यार ये बहुत नेगेटिव है, ये इंसान इतना नेगेटिव कैसे बोल लेता है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो और उनको बोलो दैट मैं प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए, क्योंकि इस फेज ऑफ द लाइफ में आप बहुत नेगेटिव हो और जो आपके पास है आप वही मुझे दे रहे हो। तो चॉइस आपकी है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करके अपने माइंड तक पहुँचा दो और उसको मैनिफेस्ट करने लग जाओ, वहीं एट द सेम टाइम ये आपकी चॉइस है कि आप उसको सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मतलब ना हमने लिया ना हमें देना है, हम जैसे हैं हम द बेस्ट हैं।